हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों नाकामुरा को WWE चैंपियन अभी तक नहीं बनाया गया है और साल 2016-17 के समय उनको इतना ज़्यादा पुश मिलने के बाद अब उनका पुश क्यों रोक दिया गया है। वीडियो होने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो साल 2016-17 के समय में नाकामुरा को WWE में काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा था। वो फॉर्मर NXT चैंपियन भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो फॉर्मर रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं और उसमें लोगों को लग रहा था कि वो WWE के चैंपियन भी बन ही जाएंगे, लेकिन बाद में उनका पुश रोक दिया गया। तो अभी एक खबर निकल के सामने आ रही है, जिस खबर में बताया जा रहा है कि 1 अगस्त 2017 के स्मैकडाउन के एपिसोड में जब उनका मुकाबला जॉन सीना के खिलाफ हुआ था नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैच के में, तब उन्होंने जॉन सीना को गलत तरीके से सुप्लेक्स लगा दिया था, जिसके कारण जॉन सीना अपने गर्दन के बल पर वो रिंग में लैंड हुए थे, जिसके बाद से ही WWE ने उनका पुश रोक दिया था। और इस इंसिडेंट के बाद बैक स्टेज में लोग भी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे और उसके बाद से ही उनका पुश WWE में रोक दिया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।